भैया, महिला एक परिवार में जब तक नहीं होता है वह व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। और हम 5,000, 3,000, 4,000 रेडियो जेवर, जयललिता जी का जेवर, करुणानिधि का टीवी घड़ी, ऐसी सौगात बांट करके देश के बेहतर पॉलिटिकल इलेक्ट्रॉनल पॉलिटिक्स को चलाकर हम बेहतर डेमोक्रेसी की बात करते हो। पप्पू यादव का आत्मा मुर्गा और मटन पर बिककर मुखिया को वोट दीजिएगा और 5,000 से 10,000 रुपया और दारू लेकर के और कई तरह के सेंटीमेंट पर यदि आप वोट डालिएगा उस कंट्री में आप वक्त और डेमोक्रेसी की बात करते हो जहां इलेक्ट्रॉनल पॉलिटिक्स ही दुनिया का सबसे गंदा इलेक्ट्रॉनल पॉलिटिक्स हो, वहां पर आप एक बेहतर भारत जहां 3 चीजों से दूर हो भारत। फर्स्ट इकोनॉमी, दुनिया मंगल यहां पर चली गई, दुनिया चांद पर और इसरो की बात कर रहा है। एनआरसी जय श्री राम, परशुराम, भीम, भामा, पद्मावत में फंसे हुए, आप हमको भी जरा सा बता दीजिएगा तो बड़ी कृपा होगी। एक तरफ मंगलयान, एक तरफ एनआरसी, एक तरफ जय श्री राम, जय परशुराम, जय भीम, जय भामा, जय पद्मावत। हमें कभी कभी इस बात का बड़ा ही विचित्र लगता है। और जनसंख्या के बारे में आपकी क्या राय? हमें तो कभी कभी लगता है कि बहुत छोटे छोटे सेंटीमेंट पर आप ऐसे चीजों को जोड़ते हैं। मुझे सामाजिक आधार की बात यदि मैं करता हूं, आप समाज में एक काम करिए, टैक्सेस के अध्यक्ष गौर साहब से मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप इस भारत के सरकार से आग्रह करिए कि एक फैमिली में 40,000 और 1,00,000 रुपया मंथली का रोजगार की व्यवस्था। दूसरा आप करिए कि कंक्रीट व्यवसायियों को करण से एजुकेशन को हटा दीजिए, रोक दीजिए, कोचिंग को, एजुकेशन को, और कंक्रीट 100% मतलब ये नहीं कि आपका जो भारत का जो सबसे घटियानुसी सवाल है ये लिटरेसी, नाम लिखने वाला यो यो आकर आ तो आकट्टा, ये जो लिटरेसी आपकी एजुकेशन आपका है 9.6%, 8% अब बढ़ा। हमारे बिहार में 39% लोग 9th क्लास से बैक हो जाते हैं। भारत में 142 करोड़ की आबादी में 70,000 लोग ही पीएचडी करता है एक साल मात्र। ये आपके वेबसाइट पर एजुकेशन को 100% मोरल, स्पिरिचुअल, फिजिकल और वैज्ञानिक, 1 से 7 क्लास कंप्लीट मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन को करिए कंपलसरी, 7 से 9 क्लास आप फिजिकल कंपलसरी करिए और 9 के बाद 12th क्लास तक वैज्ञानिक रूप से आप एजुकेशन को ला करके उसको कंपलसरी करिए और 100% एजुकेशन को आप इस हिंदुस्तान में गवर्नमेंट से करिए। उसको क्या कारण है कि हिंदुस्तान में आज तक एजुकेशन और हेल्थ पर सबसे कम बजट होता है दुनिया में, और खास तौर पर 4.5 सालों में अभी भारत के दुनिया के सारे लोगों ने कहा कि वर्ल्ड के सारे अमृतसर से लेकर के भारत में सबसे कम बजट पर खर्च इस बार एजुकेशन और हेल्थ पर। क्या कारण है? जो दुनिया की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप हेल्थ को अलग कर दीजिए तो उसके रिक्वायरमेंट का कोई मीनिंग नहीं। एक अस्पताल में एक्सरे मशीन, एक अस्पताल में सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक अस्पताल में जांच नहीं है, एक अस्पताल में दवाई नहीं है, एक अस्पताल में आपके पास किसी भी तरह का टेक्नीशियन और लैब नहीं हो, हमारे यहां तो नहीं, गांव में नहीं। और हेल्थ को आप इतना महंगा कर दिए हैं, जो आम आदमी से दूर कर दिए, एजुकेशन को इतना महंगा कर दिए, और मजदूरों को आप बाल विवाह बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं। आप 18 साल से पहले इस हिंदुस्तान में अवेयरनेस लाइएगा नहीं। 3 चीजों को हमेशा ख्याल रखने की इस देश में जरूरत है। आप सबसे पहला ख्याल रखते हैं भगवान को, जात को, धर्म को, मजहब को। ये ख्याल आप रख करके दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो जात का जहर है आपका, ये मराठा आंदोलन, जिग्नवेश आंदोलन, पट्टीदार आंदोलन, ये
गुजर आंदोलन, जाट आंदोलन, मीना आंदोलन, ये छोटे छोटे सेंटीमेंटों पर यदि आप कंप्लीट रूप से आरक्षण जैसे चीजों और चीजों को लेकर के जब आप अपने अब वो व्यक्ति अपने जीवन को अपने अवेयरनेस के लिए अपने समाज के लिए लड़ता है, कारण क्या, ये परिस्थिति पैदा क्यों हुई 70 सालों, क्यों ऐसे सेंटीमेंट की बात होती है, क्या कारण है कि जेएनयू में आज भी 6% 6 नंबर, आजादी के 70 साल के बाद एसटी एससी के स्टूडेंट को इंटरव्यू में 6 नंबर आज तक नहीं मिला, क्या कारण? हिंदुस्तान के हिस्ट्री के इतिहास में बड़ी बड़ी बात करने वाला जेएनयू, बड़ी बड़ी बात करने वाला एएमयू, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप कभी जाकर के देखे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव होता कैसे है? बर्गर की दुकान, पिज्जा हट, बड़े बड़े महंगे आइसक्रीम, बड़े बड़े वाटर पार्क, बड़े बड़े डिस्को, बड़े बड़े दारू, 40 करोड़ रुपया ड्यू में खर्चा होता है एक यूनिवर्सिटी के चुनाव पर। क्या यह हिंदुस्तान का सबसे बेहतर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है? जब छात्रों के भीतर आप जाट और गुजर की फीलिंग पैदा करेंगे, नॉन जाट की गुड फीलिंग पैदा करेंगे, बिहारी और मराठी का पैदा करेंगे, मणिपुरी और बिहारी का पैदा करेंगे, तो फिर आप ऐसी चीजें जिस जो बात आप आज कह रहे हैं कि वक्त नहीं मिला, भाई मेरे आपको एक वक्त यदि लेना चाहिए था तो कंपल्सरी एजुकेशन और इकोनॉमी, इकोनॉमिकल फ्रीडम कंप्लीट रूप से, एक बेहतर आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आजादी, इस पर चर्चा कभी नहीं हुई। इस हिंदुस्तान में सबसे पहले चर्चा आर्थिक आजादी पर होनी चाहिए, इस हिंदुस्तान में सबसे पहले चर्चा कॉमन जस्टिस पर होना चाहिए। ये जस्टिस है क्या? एजुकेशन और हेल्थ के बाद तीसरा सबसे बड़ा दुनिया में कुछ भी चीजें हैं वो है जस्टिस, और इस हिंदुस्तान का जस्टिस बिकाऊ हो, इस हिंदुस्तान का जस्टिस कंप्लीट पैसे वाले के जेब में हो, पूंजीपति और उद्योगपति और नेता और वोट देने वाले जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, महंगे लोग हैं, पहाड़ जोतने वाले लोग हैं, जमीन की दलाली करने वाले, रियल एस्टेट, हमारे गांव घर में पहले जमीन का धंधा करने वाले को जमीन का दलाल कहा जाता था और सबसे बुरा कहा जाता था, लेकिन आजकल पूछिए कि क्या करता है, लोग कह गए, हम पूछे किसी से हो तो बेटा की करे, बेटा क्या करता है, अरे क्या करेगा बेटा, तो मेरा रियल एस्टेट का धंधा करता है, मतलब जमीन की दलाली खत्म हो गई और इंग्लिश में उसका नाम रियल एस्टेट है, मतलब आप आपको अच्छा ना लगे आप ना लें, आपको जो बुरा लगे आप अपने तरीके से उसको देखें, लेकिन इस हिंदुस्तान में मानवता और परंपराओं के संस्कार में उलझकर जीने का नाम पप्पू यादव नहीं है। हम ना तो भगवान को मानते हैं, ना हम परंपरा और मान्यताओं में जाने वाले लोग हैं, हम विज्ञान के टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, मुझे समझ है दुनिया कैसे चलती है और दुनिया को कैसे ले चलना है, हमने उसी तरीके से कुछ बातों को कही। अब आप को क्यों किस बात का लगा, लेकिन मैं पर्सनली आपसे क्षमा चाहता हूं, मैंने सिर्फ इतना ही आपसे कहा, व्यक्तिगत तौर पर आपसे ना तो मेरा कोई आप एजेंडा, मैं ना आपको जानता हूं कि आप उद्योगपति है कि क्या है, ना मुझे किसी के बारे में जानना है, ना मुझे किसी के बारे में समझना है, ना मेरी समझ है। आप क्या करते हैं, आपको चुनौती हो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में आइएगा, आराम से हम चुनौती कबूल करेंगे आपका, हम इतना कमजोर है नहीं इस देश में कि हम इस रूम में बैठकर कि आपकी चीजों को कबूल करें। मैंने जनसंख्या के कई सारे विषयों पर मैंने निचले जो सबसे बड़ा जड़ होता है मैंने उसको थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश की, मैंने वो बात आपको बताया शुरू से लेकर के अभी तक की ये परिस्थितियां कहां से पैदा हुई, मैंने कुछ झाड़ू की बात बताई कि घर में हमारी माँ झाड़ू ऊपर से दे रही है, ये सारे सवाल मैंने किए। अब मेरा सवाल इतने ही आपसे है कि और सांसद जी, चूंकि मेरा भी 5 बजे प्लेन है और सांसद जी बोलेंगे जनसंख्या पर ही बोलेंगे, मेरा इतने ही था कि आप छोटे छोटे सेंटीमेंट में एक आप कर दीजिए ना, कानून बना दीजिए कि निचले से लेकर के 2 बच्चे जिसके पास होंगे मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य पंचायत समिति वही बन सकता है, आप कानून ले आइए। आप क्या कुछ सर प्रयास किए तब तो मेरा प्राइवेट बिल है, नरेनी का बिल है महाराज, वही बात मैं तो जाता नहीं हूँ। दूसरी चीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जो 3 और 4 बच्चे वाले लोग हैं उसको आप बाजार की चीजों को फ्री कर दो और सरकारी सारी सुविधा को आप रोक लगा कराओगे,
फिर वही आप लोग तो यही तो मेरा कहना है भैया, मैं आपसे मिलूंगा बाद में, स्वतंत्रता क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि मैं कई सारी चीजों को, हमारे बड़े भाई लोग, मित्र लोग, हम सब बहुत लोग साथ में रहे, गलती से 6 बार सांसद हो गए, गलती से 3 बार मेरी पत्नी सांसद हो गई, अवार्डेड रहे बेचारे, हमारे साथ पटेल साहब 4 बार सांसद रहे हैं, हम लोग दोनों भाई बहुत लंबे समय से मित्र हैं, बालियां साहब हमारे बहुत अभिन्न मित्र थे, इनका जिद था, क्योंकि मैं बहुत ऐसे चीजों में नहीं जाता, लेकिन इनका जिद था कि भैया आप आइए, और हम गौर साहब ने कहा अपनी बात कहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। मैंने इनको पहले पूछा था कि आप एजेंडा तय कीजिएगा, हम एजेंडा तय करेंगे। इन्होंने हमारे घर पर घर से आके कहा था कि नहीं, एजेंडा आपका होगा, आप यदि ये कहते कि मैं एजेंडा तय करूंगा तो मैं इस जन्म में नहीं 7 जन्म में नहीं आता, क्योंकि मैं दूसरों के एजेंडा पर नहीं जीता। इसीलिए मैं बहुत ही गंभीरता से बात बोल दूं कि भ्राता श्री आप कानून लाइए, बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसे चीजों को लाने के लिए जो आम आदमी, आप इसको जैसे जो आप देखिएगा कि एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसके घर में 5-6 बच्चा नहीं, जिसके पास 1 लाख रुपया का इनकम है, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब से हो, चाहे वो किसी वर्ग से हो, चाहे यदि सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपके घर में टीवी नहीं है बहुत सारे लोगों के घर में, और जब मजदूर मजदूरी करके आता है तो उसके पास एंजॉयमेंट के लिए सिर्फ पत्नी होती है आपको, और उसके पास दूसरा कोई व्यवस्था नहीं होता है। आप इसको टीवी लाइए, रेडियो को दीजिए, आप उसको उसके उसके जो काम करने के बाद जो उसके पास वक्त है उसको थोड़ा उसमें शेयर करिए, उन चीजों को लाइए। ये कई सारी चीजें हैं जिसको उसको पहल करने की आवश्यकता है।